भाई अपन अभी पहुंचे हैं कामाकुरा कुकुमाई, यह है बीच। चलो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे अपन। यस, कहाँ जाना है? अभी जाएंगे हम एनोशिमा। एनोशिमा तो आपने देखा था पिछले वीडियो में, हमने ट्रेन चलाना सीखा था। अभी हम केबिन के पास आए हैं ट्रेन चलाने के लिए। तो भाई अपन अभी पहुंच गए एनोशिमा। ट्रेन है अपनी, तो यहाँ पे वेटिंग हॉल भी बनाया हुआ है अगर आपकी ट्रेन को टाइम है तो। नहीं, राइट जाना है, राइट जाना है, ये लेफ्ट इधर है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे है रामेन रेस्टोरेंट। अच्छा, ये ऐसे स्ट्रीट है जो हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मिलता है, लाइक आइसक्रीम्स, नाचोस, चिप्स शॉप्स, सोविनियर्स, कैफेज। भाई गए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मिल गया यहाँ पे। इनोशिमा एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है जो कि टोक्यो से बस एक घंटे की दूरी पे है। हमने टोक्यो से ओडाक्यू रेलवे का इनोशिमा कामाकुरा का फ्री पास लिया है जो कि 1600 येन का है। सो गाइस, हम अभी पहुंच गए हैं इनोशिमा एंड इसका भी कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि यहाँ पे पता रहता था गोजू ड्रैगन। ठीक है, वो ड्रैगन क्या करता था? वो ड्रैगन था पाँच सौ का, वो करता था बच्चों को खाता था वो। तो फिर लोग बहुत डरते थे। फिर एक दिन बहुत तूफान आया, सुनामी आया, भूकंप आया और अचानक से यहाँ पे आयरन प्रकट हुआ। तो बेंजामिन नाम की जो देवी है, जो बेंजामिन इस देवी इज लाइक सरस्वती फॉर देम, तो वो आई यहाँ पे प्रकट हुई अपने 8 बच्चों के साथ। और फिर बाद में कुछ दिनों बाद गोजू को ड्रैगन था, उसको क्रश हो गया बेंजामिन पे। तो उसने प्रपोज किया होगा कुछ, तो उसने कहा नहीं बाबा, तो बहुत खतरनाक आदमी है, तो बच्चों को खाता है, वो बुरा इंसान है। तो उसके प्यार में उसने वो बोला कि मैं अभी ये सब बुरा काम छोड़ दूँगा एंड दोनों मिल के फिर पूरे आयरन की रक्षा कर देते। तो लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बुरे हो गए। बुरा इंसान अच्छा हो गया ना, बुरा इंसान अच्छा हो गया। सैंड भी का है ये, भाई यहाँ पे पानी है ब्लैक ब्लैक, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक सैंड बीच। ठीक है, तो जैसे ही बेंटेन बाशी ब्रिज खत्म होता है आपको सामने दिखेगा ब्रॉन्ज टोगी गेट। ओरिजिनली इस गेट को लकड़ी से बनाया गया था, बट 1821 में इस गेट को ब्रॉन्ज मेटल से रिबिल्ड किया गया। आइसक्रीम है, देखो भाई ये है माचा ग्रीन टी, अपनी ट्राई करेंगे वापस आते वक्त। देखिए है इनोशिमा नेचुरल हॉट स्प्रिंग। जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं आपको एक स्ट्रीट दिखेगी जिसको बोलते हैं बेंजाइटी नाकामिसेस स्ट्रीट। इस स्ट्रीट में सेम वही टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह आपको ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े, सोविनियर शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। भाई तुम पूछते हो ना सेकेंड हैंड कपड़े जाते किधर है? वो इधर इम्पोर्ट होते हैं और फिर उसके वो बैग्स बनाते हैं। ये देखो पैंट,
उसका बैग बनाया हुआ है, ये भी किसी का पैंट है। और ये है इनोशिमा शिने, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द आइलैंड एंड ऑल्सो नोन एज कांतो। एंड इसके अंदर बेंजाइटिन गॉडेस का स्टैचू भी है, विच इज़ द सिंबल ऑफ द गॉडेस ऑफ म्यूजिक वेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इनोशिमा कैंडल, बट वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप स्टेयर से भी जा सकते हैं, बट हम पहले ही थके हुए हैं तो हमने एस्केलेटर चूज किया, बट उसके लिए आपको देने पड़ेंगे पैसे। तो भाई हमने 1100 का टिकट किया ईच टावर पे जाने के लिए एंड ऑल द एस्केलेटर्स, क्योंकि हम पहले ही बहुत थके हुए हैं। अच्छा बनाया हुआ है नीचे का भी, थोड़ा कैसे लग रहा है, मेहनत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चढ़ने के लिए। हाँ एस्केलेटर का चार से वन साइड है, आते वक्त स्टेयर से ही आना है तुमको। अच्छा ये वन वे ही बनाया होगा एस्केलेटर का। तो भाई यहाँ पे भी वही फंडा चालू है, एस्ट्रोलॉजी आपका फ्यूचर फॉर्चून डेस्टिनी। अपन पढ़ सकते क्या किसने अगर लटकाया था यहाँ पे। तो ये है हेत्सुनो मिया शिने एंड इसके ही एडजस्टमेंट में है क्विंडन, जो कि एक ऑक्टोगोनल हॉल है एंड इसके अंदर बेंजाटिन देवी के स्टैचूज है। गार्डन है यहाँ पे, हाँ। तो भाई ये है स्टेयर्स का रास्ता, बट अपन है अमीर लोग, अपन जगह यहाँ से एस्केलेटर से। さあこちらの曲でもちろん技もお届けいたしましょう。こんな技からいかがでしょうか。よいしょ。こりゃ。ये भाई इनोशिमा सैमुएल कुकिंग गार्डन कुछ जगह तो जादू का चलो। ये भाई कुकिंग टावर ये क्या देख रहे हैं, ये पुगन ना सोहा हाँ, ये है तू फ्लावर्स डी डी एल जे के तुम पास आए। जो बेंजामिन आई थी ना प्रकट हुई थी वो भी अपने 8 बच्चों के साथ प्रकट हुई थी वो। ये भाई ऑब्जर्वेटरी टावर कॉकिंग टावर, ऊपर ऑब्जर्वेटरी डेक है, वहाँ से अपन ऊपर का पूरा व्यू देख सकते हैं। इधर पीछे बच्चे खेल रहे। तो भाई अपन अभी है ऑब्जर्वेटरी डेक पे, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ऑब्जर्वेटरी डेक है, इनोशिमा कैंडल ऑब्जर्वेटरी डेक, देखो कौन सा यहाँ से। दिया है यहाँ पे क्या क्या है, बट जापानीज में दिया है तो समझेगा नहीं अपने को ये। देखो यार कितना मस्त लग रहा है, पानी टच हो गया भाई। हम लोग अभी है ऑब्जर्वेटरी डेक के ऊपर के फ्लोर में टॉप फ्लोर पे एंड ये ओपन है, हम पता नहीं था ये ओपन है, हम ऐसे ही वापस जा गए थे। बहुत ही मस्त व्यू है,
सिर्फ राइट साइड होना चाहिए था बड़ा बेंजामिन देखेंगे तो निकलेंगे। तो अभी थोड़े डिफरेंट सीन्स देखेंगे अपन, है ना, ये क्योंकि उतर के जाएंगे ना। बट ठीक है फिर, इट मेक्स सेंस। गोन कैफे। तो भाई अभी इन्होंने किया है राइटिंग चालू एंड दिख रहा है मस्त, बहुत ही शानदार। अच्छा ये तो वही है अपन फोटो खिंचाने वाले थे अभी, कागज का नहीं क्या? नहीं वो तो बहुत नीचे था, दूसरा ही है। चेगी गौसम चालू हो गया इधर। स्वीडन में तो मई में आता है, मई जून में आता है। तो भाई आते वक्त अपना आए थे स्केटर से, अभी जाते वक्त अपने जेब में पैसे नहीं है तो अपन जाकर सीढ़ियों से। सो अभी अपन नीचे उतर गए इनोशी वहाँ से, बहुत ही मस्त दिख रहा है राइटिंग वाइटिंग। क्या बोलते हैं इसको? आगे इसको क्या बोलते हैं इसको? द डॉक्टर फिश गिव्स यू ब्यूटीफुल स्किन बाय निबिंग अवे ओल्ड स्किन सेल्स। द डॉक्टर फिश 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 ओके। अभी किसी पहले मच्छी होने किसी और के पैदा अच्छा नहीं है। तो अपन अभी ट्राई कर रहे हैं माचा आइसक्रीम। नो एग। ओके वन 350 या कार्ड या नो टच नो टच। ओके नो टच ओके। अच्छा अच्छा नहीं खाओ खाओ सिक्योरिटी नंबर या या। कैसे क्यों माचा आइसक्रीम? अच्छा है, बढ़िया है, कुछ अलग फ्लेवर है जो हमें इंडिया में नहीं मिलता। माचा मीन्स होता क्या है? माचा इज ग्रीन टी बेसिकली, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है जापान में। आप कभी भी देखोगे तो काफ़ी सारे लोग हाथ में बॉटल लेके घूमते हैं, वो सब ग्रीन टी सी ग्रीन टी के ही बॉटल होते हैं। माचा ग्रीन टी माचा माचा टी यस दे कॉल इट एज अ माचा टी। तो ग्रीन टी का ग्रीन टी का फ्लेवर होता है हाँ, एंड कॉफी एंड कॉफी आइसक्रीम ऐसा कुछ सब सब चीज़ आप काफ़ी चीज़ों में देखोगे यहाँ पे आपको माचा में मिलता है, जैसे आइसक्रीम शेक्स लेमोनेड और बाकी भी थोड़ी बहुत चीज़ों में वो लोग माचा डाल के देते हैं। इट्स वेरी गुड टू टेस्ट डिफरेंट देन अपने यहाँ पे इंडिया में ऐसा मिलता नहीं है। जैसे हर चीज हर जगह कुछ कुछ फेमस होता है, जैसे कोरिया में बबल टी है, बबल टी है, वैसा इधर माचा माचा है, ये माचा फ्लेवर। तो भाई इनोशिमा का एक्सपीरियंस ठीक ही था, बट टोक्यो से सिर्फ इनोशिमा देखने आना इतना वर्थ नहीं लगा मुझे। अगर आप इनोशिमा एंड कामाकुरा दोनों एक ही दिन में करते हैं तो ये वर्थ है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।